शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर में 20 सितंबर को हुई मां बेटी की गोली मारने की घटना का शनिवार को एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने खुलासा कर दिया। रिजर्व पुलिस लाइन के मेज सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाशों ने चेन लूटने की घटना को अंजाम देने के लिए स्कूटी सवार माँ और बेटी को गोली मारी थी, जिसमें महिला शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई थी और बेटी का इलाज लखनऊ स्थित एक अस्पताल में कराया गया, जहां उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 32 बोर का एक पिस्टल, 315 बोर का डबल बैरल तमंचा, 315 बोर का एक और तमंचा तथा मृतिका की लूटी हुई चैन बरामद हुई है। गिरफ्तार होने वालों में मुख्य अभियुक्त त्रिभुवन सिंह उर्फ पिंटू सिंह, पुत्र कलेक्टर सिंह, निवासी काजीपुर थाना चिलवाताल, हाल मकाम सूर्यविहार कॉलोनी थाना तिवारीपुर, दीपक कुमार निभानी पुत्र केवल कुमार निभानी निवासी विकास नगर बरगदवा, अकबरुद्दीन पुत्र सजलू यकीन निवासी कपिलवस्तु नेपाल तथा अमर जायसवाल पुत्र पन्ना लाल निवासी गोरखनाथ शामिल है। घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त त्रिभुवन अपने साथी दीपक के साथ स्कूटी से जा रही मां बेटी की चेन लूटने की कोशिश की, लेकिन मां और बेटी ने दोनों को पकड़ लिया। अपने को घिरा देख त्रिभुवन ने गोली चला दी, जिसमें शिक्षिका की मौत हो गई। और एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि बेटी की बहादुरी से अपराधी घबरा गए और घटना को अंजाम दे दिया। एसएसपी ने कहा कि मृतिका की बेटी की बहादुरी को देखते हुए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त त्रिभुवन एक शातिर किस्म का अपराधी है, उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर तिवारीपुर थाने में भी महिला की चेन लूटने का मुकदमा दर्ज है। त्रिभुवन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर नेपाल में भाग जाया करता था। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया। मैंने जैसा बताया आप लोगों को, कल आवाज आ रही है में मोहल्ले में, जिसमें चैन सर्चिंग में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति को एक मास्क पहन कर घूम ही रहे थे, फिर भी हमने पकड़ लिया। पहले भी चेंज करती है कब तो करीब मुझे बता दी। हाँ तो गोली क्यों मारी गोली तो एक नहीं चार चार गोली मारी। हाँ त्रिभुवन ये बताओ कुछ भाई, तुम आपकी बदमाश को 50 लाख इधर उधर करते हो, 1 लाख के चैन के लिए तुमने गोली मार दी, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई तुम्हारी? नहीं ये ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि तुम चैन स्निफिंग करने लगे? तुम तो हवाला के बहुत बड़े कारोबारी हो, 50 लाख इधर उधर करते हो, करोड़ों में खेलते हो, कैसी स्थिति आ गई? क्या हो गया लॉकडाउन में पैसे जोर आ गई थी तब तुम इस स्थिति में आ गए? कहाँ रह रहे थे 2 साल से? तुम्हारा ये नेपाल भागने वाला था आज की नहीं ये पता नहीं चल पाया कि पुलिस खोज रही है, सोशल मीडिया पर चेहरा वायरल हो रहा था, उसके बाद भागने वाला अच्छा गोरखपुर में नहीं रहता है, ये रहता है सिद्धार्थ नगर में। घटना करने के लिए तुम आए थे गोरखपुर में? आए थे घटना करने और फिर भाग गए? अचानक हुआ था कि अचानक हुआ था। अच्छा तिवारीपुर में जो चेन स्नैचिंग किया तो उसमें कैसे आए थे और चले गए थे उसके बाद? अच्छा उस गली में जब तुम घुसे तो क्या तुम्हें किसी ने बताया था कि वो महिला चैन पहन के जा रही? कैसे तुमको अंदाजा हुआ? सामने से गाड़ी
चैन लूटने के और गोरखपुर आते थे सिद्धार्थनगर से वहाँ, मतलब गोरखपुर क्या तुम्हारी अपराध की किस भूम है सिद्धार्थनगर में कर सकते बाकी रहता है ना यहाँ पे गोरखपुर जिसकी बॉर्डर सॉपरेटी है कि यह जहाँ रहता है वहाँ क्राइम नहीं करता है। सिद्धार्थनगर में इसके विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं है और सिद्धार्थनगर में इसके ठिकाने रहने के जो ठिकानेदार है वो पकड़ा गया है अकबर उद्दीन जिससे आराम ले रहा हूँ मैं। कौन है अकबर कहाँ आया? अकबर उद्दीन पकड़ा गया है जो इसको शरण दिए गए था वहाँ पर। ये नेपाल में रहने वाला लेकिन इसका घर जो है सिद्धार्थनगर में वहीं इसको घर बदल बदल के रखवाता था। कौन शरण देता था? चेहरा दिखवा दिया जाए सर, चेहरा देखो। कब से शरण देते थे? कानून में हत्या करके आते थे क्या मालूम है? घटनाएं करते थे अपराधी हैं या इस तरह? पास से आधार कार्ड फर्जी मिला है जिस पर क्या नाम फर्जी मिले हैं समीर नाम से। दोनों सर हम लोग रहने से की कार्रवाई करेंगे इसके लिए इस बात को इंश्योर करेंगे कि त्रिभुवन सिंह का मार ना आए किसी भी सूरत में। और क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी में चल रहे थे और क्योंकि इनाम लोगों की भी जैनिटर का ये मैंडेट करना था लगभग 20 महीने से जेल से बाहर है लेकिन ये गोरखपुर सिर्फ क्राइम करने के लिए आता था। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। सिद्धार्थनगर में रहता था ये, सिद्धार्थनगर में ये बोला है उस एरिया में रहता था वो घर बदलता रहता था। हम लोगों की रेकी वहाँ पर भी हम लोगों ने की है और रेकी करके बहुत सारी चीजें हमें मिली है वहाँ से। अकबरुद्दीन के घर में अभी लास्ट रह रहा था। अकबरुद्दीन को नेपाल का रहने वाला है लेकिन नेपाल और दो जगह इसके छिपने की है नेपाल अथवा सिद्धार्थनगर। घटना बहुत बड़ी हो जाती है तो नेपाल भाग जाता था जल्दी है। इस बार नेपाल भागने की उसकी तैयारी थी लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पकड़ा है। मोटरसाइकिल पर जो स्टिकर लगा हुआ था उस स्टिकर के आधार पर भी हमें बड़ी सफलता मिली पहचान करने में, मोटरसाइकिल की पहचान करने में। आपको उसकी मोटरसाइकिल वही मोटरसाइकिल है, नंबर प्लेट उसने चेंज कर दी थी। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज जो आप लोगों के माध्यम से हमने सर्कुलेट की है उसके बाद इसने बाल कटा लिया। आपको देखा होगा कि रोमा जी ने बाल कटा रखे हैं 4-5 दिन पहले के, 5-7 दिन पहले की। जैसे ही ये सीसीटीवी हम लोगों ने आपके पास सर्कुलेट किया मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, तो मीडिया का उसमें बड़ा रोल रहा। नाई तक ने सूचना दी हमें कि साहब एक आदमी ऐसा है जो हमारे यहाँ बाल कटवाने आया है, जो जहाँ पर इसने बाल कटाए। इसके अलावा पब्लिक का सहयोग बहुत हुआ, जागरूक लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इसमें मदद की। तिवारीपुर और शाहपुर दोनों के सीसीटीवी फुटेज हमें मिलाए थे, दोनों के सीसीटीवी में फुटेज दिए थे। तिवारीपुर की घटना जो थी उसमें चैन थी वो काफ़ी हैवी चैन थी, उसकी वादनी जो थी वो बहुत, मतलब आप वादनी से बात भी कर सकते हैं। वादनी से भी हमने पूछा, वादनी को भी दिखाया है, फोटोज दिखाए तो वादनी थी बिल्कुल क्लियर थी के साथ इन्होंने घटना करी है। और ये बच्ची जो थी उसको भी क्लियर थी के साथ इन्होंने घटना करी है। पहले से 100% लगेगा इस पर, ऐसी लिखा पढ़ी हमने करी है, आपकी जितनी पेपर कटिंग से वो हमने ली है, इस पर रहने से निश्चित रूप से लगेगा। इसके परिवार में इसका भाई मकान वकान बना रहा है यहाँ, ये परिवार में इसके भाई भी 2 बार जेल गए हैं। अगर उसकी संपत्ति का हम लोग पता लगाएंगे नोट करिए कि उसके पास भाई के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और ये मकान वकान कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। अगर 14A के गैंगस्टर एक्ट के लाए केस है और हम लोग 14A गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति को करेंगे इसके और इसके परिवार की। इसके अलावा पहले भी कई बार जैसे शराब में जेल जाते रहे हैं जिले से, हालांकि हम लोग कितनी बार गए हैं। हैबिचुअल अगर सुनार होगा तो उस पर 413 सेक्शन के तहत भी हम कार्रवाई करेंगे। हैबिचुअल डीलिंग विद स्टोलन प्रॉपर्टी, इसमें 10 साल की सजा और आजीवन कारावास है।
इस सुनार जो जायसवाल है, इस सुनार की दुकान शायद टूटी है, इस जो सड़क कारीगर होगा उसमें अपने घर से कुछ काम कर रहा है। दुकान इसकी कहाँ है? इसकी दुकान गोरखनाथ थाना क्षेत्र में ही है। किस नाम से है? शरणदाताओं में एक आदमी हमने अरेस्ट किया है अकबर उद्दीन, और शरणदाता कौन है इसका सिद्धार्थनगर से पता लगाएंगे और इसके सिद्धार्थनगर को पत्र भी लिखेंगे कि कौन कौन शरणदाता इसके हैं सिद्धार्थनगर में जो इसको शरण दे रहे हैं। अकबर उद्दीन और इसके कितने लोग पार्टनर हैं इसके बारे में एक पत्र होंगे सिद्धार्थनगर को लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई भी चीज़ देते हैं तो ज़रूर वेरिफिकेशन कराएं, किसी भी सोर्स का वेरिफिकेशन कराएं कि कौन आपके यहाँ किराएदार रहेगा, और उसने तत्काल छोड़ करके भाग गया और वो दूसरा जगह कमरा ले लिया जैसे ही उसको पता लगा कि पुलिस ढूंढेगी। और ये भी चीज हम देखेंगे मोटरसाइकिल पर स्टिकर अभी भी लगा हुआ है, इसके दोनों भाई विनय सिंह और चंद्रशेखर सिंह 302 में जेल गए हैं, ये भी पता लगाएंगे। अगर गैंगस्टर नहीं लगाया तो भाइयों पर भी गैंगस्टर लगाया जाएगा, पिछली कैसे भी नहीं लगाया, वर्ष 2000 से अपराध कर रहा है। FICM के बारे में भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये किस तरह के हवाला कारोबार कर रहा था, हालांकि अभी इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया कि हम लोग पहले मैं इस कारोबार में करा मैं शामिल था लेकिन अब इस कारोबार में मैं शामिल नहीं हूँ, क्योंकि नेपाल में रहता है, शरण देता है, तो इस तरह का काम अगर करता है तो उस बारे में पता करेंगे। वो मोबाइल और कॉल के आधार पर हमें कुछ देता है, अगर इस समय यह इस हवाला में इस तरह की चीज़ें मुलाम है या नहीं इसकी हम इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, वो उससे और मोबाइल के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन रूहानी इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट नहीं है और इतना घटा अकेला है, ज़्यादा जरूरी नहीं है इसमें, तो महिला ने इसको पकड़ लिया और आपने देखा भी था कि महिला और बेटी मतलब शरीर से काफ़ी अस्पुट थी, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया और कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से उसको घेर लिया, अच्छी तरह से दोनों ने जब पकड़ लिया तब कोई चीज़ और इसके थवचे को निशान दिए शरीर पे, थवचे भी आ गई इस बीच, तब कोई चीज़ ना देखते हुए उसने फिर गोली मारनी पड़ी कि अगर नहीं तो ये वही मौके से पकड़ा जाता रोमानी, इसीलिए इसने गोली मारी है, क्योंकि अंदर क्रिमिनल है तो उसको ये संकोच नहीं हुआ गोली मारने। फिर उन्होंने अपने साथी को छुड़ाने के लिए फायर कर दिया। हम बेटी जो अब स्वस्थ है मेरे साथ से, हम कब डेंजर है और अभी भी लेकिन इलाज उसका अभी रिकवरी में है, है काम नहीं है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के मौसी के घर रह रही है। हम उसको बहादुरी के पुरस्कार के लिए भी यहाँ जो हमारे जिले स्तर का या राज्य स्तर का जो भी होता है कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके बहादुरी का परिचय दिया है, वो अलग बात है कि उसमें एडमिट भी होगी, लेकिन हम उसके लिए भी जिला स्तर पर जाएंगे और रिकमेंडेशन भी करेंगे बेटी के बहादुरी के लिए, क्योंकि इस तरह से किसी जरूरत से भरना जनरली बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ये शाहपुर थाने में 20/9/2020 को आज से लगभग 13 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक बेटी घायल हो गई थी, उसमें आज खुलासा हुआ है, उसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है मुठभेड़ के बाद। उसमें त्रिभुवन सिंह उर्फ पिंटू सिंह अरेस्ट हुए हैं जो गैंगस्टर के अभियुक्त हैं, पहले कई मुकदमे रहे इनमें 28 मुकदमे इन पर। एक दीपक कुमार निभानी अरेस्ट हुए, इन पे 4 मुकदमे पहले से हैं, ये दोनों लोग मोटरसाइकिल पे थे और इन दोनों लोगों ने घटना को अंजाम दिया चैन स्नैचिंग करते हुए, चैन स्नैचिंग करने के लिए घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने 12 दिन पहले एक चैन स्नैचिंग और की थी थाना तिवारीपुर में इस घटना से पहले। हमने CCTV फुटेज के आधार पर लगभग 15 जगह से CCTV फुटेज हमने कलेक्ट किए, उसमें थाना तिवारीपुर के CCTV फुटेज जो उस दिन के जो पहले वाली घटना के वो भी शामिल थे और ये भी शामिल थे। दोनों CCTV फुटेज में दोनों लड़के सेम मोटरसाइकिल पे और दोनों की सेम मोडस ऑपरेंडी और सेम फोटोज़ हम लोगों को मिले। इसके बाद हमें यह शक हो गया कि यह घटना चैन स्नैचिंग की संभावना हो सकती है ज़्यादा। हम लोग कई एंगल्स पर काम कर सकते, प्रॉपर्टी के एंगल पर भी काम कर रहे थे और एंगल्स पर भी काम कर रहे थे, लेकिन जब 8 तारीख की और ये घटना शाहपुर वाली घटना दोनों मिल गई और दोनों में फुटेज सेम मिल गए तो हम लोगों ने घटना को
खोलने के लिए उन दोनों के सीसीटीवी फुटेज को आप मीडिया के जरिए भी हम लोगों ने जारी किया था और वो सीसीटीवी फुटेज हमारे बाद बहुत मददगार बने। इसके बाद इस अभियुक्त दीपक कुमार निभानी ने जैसे ही ये वायरल हुए फोटोज़, क्योंकि फ़ोटोज़ काफ़ी क्लियर थे और उसमें लोगों ने पहचाना, हमें फ़ोन भी किया कि साहब ये फला आदमी है, उसके बाद उसके इस आदमी को हम लोगों ने तलाश तेज़ कर दी और आज ये लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें मोटरसाइकिल बरामद की गई है, दो चैन बरामद की गई है जो इन्होंने लूटी है, एक तमंचा मिला है, एक पिस्टल मिली है जिससे इन्होंने गोली चलाई है। मोटरसाइकिल वही है, होंडा साइन। ये मोटरसाइकिल भी 2 महीने पहले चोरी की गई थी इनके द्वारा। त्रिभुवन सिंह बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने ये घटना कारित करी है। घटना कारित करने का, गोली चलाने का मोटिव यह था कि लड़का जो दीपक निभानी है वो उसको बेटी ने और माँ ने दोनों ने पकड़ लिया था और अच्छी तरह से जकड़ लिया था। उसकी शर्ट फट गई थी, यहाँ फोटो आपने देखा भी होगा, उसमें शर्ट और बनियान सब फट गई थी। उसके पकड़ने के बाद माँ ने उसको बचाने का प्रयास किया और माँ ने और इसने दोनों ने जब पकड़ लिया तो त्रिभुवन ने गोली चलाई और त्रिभुवन ने जब गोली चला करके इसको अपने साथी को छुड़ाया, वरना साथी शायद मौके से पकड़ा जाता। टोटल 8 मुकदमे कायम हुए हैं इन लोगों पे और ये लोग जेल जा रहे हैं। आज पुलिस मुठभेड़ में इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसको शरणदाता है अकबरुद्दीन, जो सिद्धार्थ नगर में जिसका घर है और नेपाल का रहने वाला है, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। और पहले जो तिवारीपुर वाली सोने की चैन थी जहाँ बेची है इन लोगों ने, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। ये सुनार जो है, अमर नाम है उसका। टीम हमारी जो CO गोरखनाथ और SP सिटी की टीम ने बहुत मेहनत करी इसमें, SP क्राइम भी लगे रहे। हमारी क्राइम ब्रांच ने और सर्वलांस ने, क्राइम ब्रांच ने और स्वेट टीम ने बहुत मेहनत करी इसमें और इन लोगों ने घटना को वर्कआउट किया है। त्रिभुवन सिंह और दीपक नोमानी दोनों पर हम लोग NSA की कार्रवाई करेंगे और ये लोग जेल में ही रहे यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, इनकी ज़मानत न हो। और NSA की कार्रवाई करेंगे, अगर ये ज़मानत का प्रयास करेंगे तो हम NSA लगा करके इनको अंदर ही रखेंगे। यह घटना इन लोगों ने करी थी और इस तरह से घटना कारित हुई। ये शाहपुर थाने से ही गिरफ्तारी हुई है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टीम को हम लोग, जो टीम जिसने काम किया है, रात दिन मेहनत करी है, पिछले 12 दिन से लोग सोए नहीं है। इन लोगों को हम लोग 25,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है। ये आप खुद ही कह रहा है कि मैं चैन स्नेचिंग, क्योंकि इस समय लॉकडाउन के बाद इनके पास पैसे की कमी थी। इनके वकील का भी पता लगा है, सबका पता लगा है, मैं इसके जमानतदारों का पता लगा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन थे। लॉकडाउन के बाद इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि इसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से चैन स्नेचिंग कर रहा था। और जो चैन स्नेचिंग पहले वाली की है, जिस जो अमर जायसवाल को बेची थी, इसका सौदा लगभग 33,000 में सौदा तय हुआ था। तो चैन स्नेचिंग के अपराध से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे या ताकि कुछ पैसे इनके पास हो जाए। सर, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने टोटल 4 लोग हैं, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं चारों। और लोगों को नहीं हिरासत में लिया? देखिए, जो सही होगा उस तरह से हमने वर्कआउट करने की कोशिश करी है। जो सही है, नामजदगी जो इन्होंने कराई थी वो नामजदगी गलत पाई गई है और ये लोग 4 लोग जेल जा रहे हैं।